हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं बहुत दूर घूमने के लिए, पीछे तरफ उत्तम आर के रेडी फॉर जाने के लिए। और हम लोग के लिए कुछ स्पेशल चीज़ भी है, बोले तो स्पेशल दिन भी है, आप लोगों को पता चलेगा अगर पूरा वीडियो देखिएगा। तो वीडियो को देखिए, चलिए हम लोग मिलते हैं आगे आप सबसे। फाइनली हम लोग दोस्तों किन्नर किला का धंगरी धू का पहाड़, धंगरी धू का बीरू के पास पहुंच गए हैं। इधर पीछे देखिएगा धंगरी धू का पहाड़, इसमें बरसात के दिनों में पूरा झरना बहता है, लेकिन अभी पतझड़ का मौसम, सूखा का मौसम आ गया है, तो देख सकते हैं पहाड़ में कुछ दिख नहीं रहा है और पेड़ पौधे भी सूख गए हैं। और उत्तम तभी तो फ़ोन में बिजी था, अभी शक्ल बना रहा है, क्या पता कोई लड़की उड़की मिल जाए। तो सब मन के रौरे मन के सबके मन के जोहार, आए जब एकदम मतलब का करब घर में, ऐसा लगता है बिना मोड कर मेरा मूड का एकदम गर्म हो जाता है, ना मैं निकल जाए घर से खान मतलब अपन ही में कुछ बुलेक लगिन कुछ फील करे लगिन। अखन जानो था पूरा हवा ब्लोइंग ब्लोइंग आवत है और बेस लगत है, कट कर हल्का सा रोड मार तो कितना बेस लगे, मतलब मौसम के फील करे। तो आज हम जाते बहुत दूर, सब बच्चे हम बुलब बुलब के आओ घर कर सुत दे, आज हमर ब्लॉग में जरूर बन रहा है लास्ट तक, ओकर बाद देखबा हम का करिन। बहुत कुछ करे वाला ही, इंटरटेनमेंट दोस्त मन से मिलब, ओकर बाद जो भी खा पिया, आज मौज मस्ती नहीं करब, बस एंजॉय करब, आज तो फील करब हमें अपन लाइफ के फील करब। तो चलिए दोस्तों, सादरी से समझ में आया नहीं आया, लेकिन फिर भी जो भी एक वर्ड में बताना चाहते हैं, हम लोग आज के दिन को एंजॉय करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट लोग निकले हैं मुसाफिर की तरह, रास्ता कहाँ पता नहीं किधर ले जाता है, जाएंगे उधर ही तरह। और एक गाना सुनाने चाहते हैं, दिल दीवाना ढूंढता है एक हंसी लड़की, मिल जानी जल्दी जल्दी डहर में, कौन है वो मैं नहीं जानता, दिल दीवाना ढूंढता है एक हंसी लड़की, चला मिल जाएगी। ये देखिए डेयरी मिल्क, प्यार की निशानी, अब देखते हैं कौन इसको लेती है, वो बन जाएगी कहानी। छः सालों से ये रोड सब बन ही रहे हैं, अभी तक नहीं बन रहे हैं। इधर पुल तो बिल्कुल ही नहीं, पाँच साल से भी ज़्यादा हैं, उबड़ खाबड़ पुल जगह बन भी नहीं किया है, बिल्कुल नहीं बना है। बहुत आपत्ति विपत्ति से गुजरना पड़ता है इन रास्तों में। हम लोग अभी पहुंच गए हैं कुम्हारी, ये रास्ता रांची जाती है, ये वाला रांची जाती है, हाँ, और ये वाला गुमला और ये वाला सिसई, ये इलाका का बड़का, बोले तो बड़का मार्केट, सब कुछ मिलता है सस्ता में। ये वाला रास्ता भी सिसई होके रांची जाती है, हाँ, ये भी सिसई होके रांची, वो भी रांची सभी रांची जाता है, लेकिन इधर उधर घूम घाम के फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मौसी लोग का घर। यहीं पे काम था फिर, और बाकी दिखाएंगे जो स्पेशल चीज़ आपको बताए थे वो यहाँ पे नहीं है, तो दिल थाम के बैठिए, कुछ समय लगेगा। हम लोग पहुँच गए हैं मौसी लोग का घर, थोड़ा दूर से आए तो थक गए ना, हाय हेलो तो बोल दीजिए। ये मेरी बहन है, मतलब अंशु के बाद इसके नहीं एल्फीज है, उसके बाद इसका नंबर है, मांगा बूढ़ा का संतान है ये। दोस्तों हम लोग मौसी लोग का घर से वापस आ गए हैं, अभी फ़िलहाल तो कोलेबीरा में नहीं, बसिया में है, यहाँ पे बुक दुकान है, तो दोस्त के लिए बुक लेना है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
आदमी वीडियो कॉलिंग में है, नहीं दिख रहा है लेकिन इधर बसिया का चेक पोस्ट। ये देखिए पूरा कड़ी धूप है, छाँव तो मैं बस हेलमेट पहना हूँ इसलिए छाँव है, बाकी सारी धूप है, पतझड़ का महीना है, सब सूख रहा है, पत्ता सूख रहा है, आदमी भी सूख रहा है, हम लोग भी सूख रहे हैं। हम लोग कौन भी पहुँच गए हैं और जिस चीज़ का आपको सुबह से इंतजार था बोले तो तभी से हम लोग कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ आप लोग को बता देना चाहते हैं। हम लोग जीरो से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसी का, लेकिन क्या बिजनेस है वो आप लोगों को जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम दिखाएंगे, आज ही दिखाएंगे लेकिन दिखाएंगे थोड़ा देर बाद, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत दिन बाद कंदूर का फुचका खा रहे हैं स्कूल से कॉलेज से निकलने के बाद, बहुत फेमस है कंदूर में, सस्ते में। हम लोग जब खाते थे 10 रुपये में 10 ठो मिलता था, अभी तो 6 ठो हो गया। फाइनली हम लोग का जो बिजनेस वाला है सामान सब उसको खरीद लिए हैं, अब बनाएंगे बाद में आपको दिखाएंगे कैसे क्या क्या बना रहे हैं उसको, पहले ही नहीं बताएंगे मैं तो फिर आप लोग को मज़ा नहीं आएगा ना, पहले ही जान लीजिएगा तो इसीलिए बाद में बताएंगे। दोस्तों हम लोग वापस आ गए हैं लेकिन मेरा तो कड़ी धूप में काम शुरू हो गया, क्योंकि जो फली चीर रहे हैं ना आप लोग पिछला वीडियो में देखे थे तो उसको अंदर करना है। आज वो लोग का एक ठो नहीं आया था इसीलिए थोड़ा देर ही चीरा, और जो चीरना बाकी था उसको बस चीरा और अभी उसको रखा है, तभी कोई नहीं है, कोई चुरा उरा लेगा बोल के जल्दी पल्दी आए उधर से, पर अभी जा रहे हैं फली को लाने के लिए। चलिए फली अंदर कर लेते हैं फिर आप सभी से मिलते हैं, क्योंकि हम लोग का जो बिजनेस है उसको अभी करना भी है ना स्टार्ट, तो आप लोग को देखना है ना, चलिए विदा लेते हैं अभी के लिए। दोस्तों मैं अभी महुआ पेड़ साइड आया हूँ क्योंकि जो फली जो चीरा हुआ था उसको मैं अंदर किया, धूप धूप थोड़ा सा धूप मार दिया था जिसे लगा, इसलिए थोड़ा आराम करने के बाद मैं अभी महुआ पेड़ साइड आया हूँ। देख सकते हैं महुआ पेड़ पीछे मेरे डॉगी इसलिए भी आई है, कल से महुआ बिछना है इसीलिए आज ये वाला जो पत्ती सब है महुआ का जो गिरा हुआ है महुआ पेड़ का, तो ये सबको आज जलाना है ताकि कल जब महुआ गिरेगा उसके अच्छे से दिखेगा और अच्छा से चुन पाएंगे। इसका भी जलाएंगे पहले सारा पत्तूर सबको एक जगह इकट्ठा तो नहीं लेकिन फिर जलाने योग्य बनाते हैं ताकि इसमें आग पकड़े अच्छा से और साफ हो जाए पूरा। दोस्तों हम लोग सफाई का काम हो रहा है, पैर से कितना करते ना इसीलिए लाए हैं झाड़ी को और झाड़ी से साफ करने देख सकते हैं पीछे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पूरा सफाई करके फिर मिलते हैं। थक के पूरा पसीना पसीना हो गया, आप लोग को देख ही रहा होगा कितना पसीना हो गया है, गर्दा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, मास्क पहन के आना चाहिए था। अभी तक दो ही पेड़ का ख़त्म किए हैं, तीसरा का चल रहा है, चौथा का करना है, बहुत ज़्यादा साफ सफाई तो बहुत मेहनत से कर लिए, देखते हैं अब कितना महुआ गिरता है तभी पता चलेगा। मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना महुआ को चुन के दारू बना के इसका बिजनेस किया जाए, बड़े फायदे की बात है। मैं आग लगा के जा रहा हूँ, पूरा पसीना से नहा के जा रहा हूँ और अभी हम लोग का बिजनेस प्लान चलेगा, बनाएंगे जो भी बनाना है आप सभी को दिखाएंगे। हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग, देख सकते हैं मेरे शक्ल में क्या क्या हो गया है, अभी सूट उठ गया है इसलिए कुछ नहीं सिंपल। दोस्तों कल जो बिजनेस प्लान बोल रहे थे वो कर नहीं पाए क्योंकि थक गए थे तो इसने सोच लिया अगला वीडियो में आएगा, फिलहाल तो मैं महुआ पेड़ आया हूँ, तो चलिए दोस्तों ये वीडियो भी बंद करते हैं, अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको बिजनेस